आज बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रहा है, तो हम निकल पड़े एक नया एडवेंचर के लिए। अभी जो हम लोग नदी देख रहे हैं, ये नॉर्मली एक वाटरफॉल से आ रहे हैं, तो पहले हम लोग सफ़र करेंगे नदी के साइड में, उसके बाद हम लोग वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। बारिश में एडवेंचर का मज़ा ही कुछ अलग है, बहुत अच्छे भी लग रहे थे, आप लोगों को भी अच्छा लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ये जो नदी है ये दो फॉरेस्ट का बीच में मौजूद है और बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। इस जगह का नाम है क्रुकुट लूप, जो हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है फॉरेस्ट के बीच में, और बहुत खूबसूरत नज़ारे भी है क्योंकि जो पौधा है उसमें बहुत सारे बारिश की वजह से बहुत ग्रीन हो गया है, तो बहुत अच्छे भी लग रहे थे। यहाँ से फिर चलते हैं वाटरफॉल की तरह, जो लगभग 10 to 15 मिनट्स बाई कार लगता है, और रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारा भी मिला जो चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ था। बारिश की वजह से चारों तरफ फॉग से घिरा हुआ था, जो नेचर को और भी खूबसूरत बना रहा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। क्या ही बोले, चलते हैं आगे की तरफ वाटरफॉल देखने के लिए। और इस वाटरफॉल का नाम है माहून वाटरफॉल, जो आयरलैंड का फेमस प्लेस है, एक बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। तो आज बारिश गिर रहा है तो कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं आया था उस दिन, बारिश भी गिर रहा था, इतना हवा भी दे रहे थे, क्या बहुत कष्ट भी हो रहा था, मगर अच्छे भी लग रहे थे बारिश की वजह से। बारिश की वजह से जो स्टोन है बहुत स्लिप हो गया, तो ऊपर चढ़ नहीं सकते इस टाइम, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे फिर से तो ऊपर चढ़ के बहुत जो खूबसूरत नज़ारा है और भी अच्छे से दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आज इतना ही, फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।